करी दिया भाई, प्रमोट करी दिया। والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريق الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله बड़े इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सदर में रक्स मार्केट में माशाल्लाह मीलाद मुस्तफ़ा और ग्यारहवीं शरीफ का ये इज्तिमा है। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यहाँ एक बड़ी अहम वजाहत करता चलूँ कि अमीर अहले सुन्नत हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी वक्तन फ़वक्तन हमारी तरबियत मदनी चैनल पर फरमाते हैं। हमें कुरान और सुन्नत के ज़रिए दीन का काम करने का एक जज्बा और एक तरीका बताते हैं। मीलाद का इज्तिमा हो या किसी भी किस्म का मजहबी प्रोग्राम हो या दुनियावी प्रोग्राम हो, हमारा हर इज्तिमा हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हुए होना चाहिए। चूँकि ये मार्केट में इज्तिमा हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। लेकिन बाज़ोकात हमें कुछ दुकानें बंद करवानी पड़ती हैं, कुछ लोगों का कारोबार मुतासिर होता है। तो याद रहे, अगर जिसका कारोबार मुतासिर हुआ है और वो राज़ी नहीं है इस पर, तो ये मीलाद का इस्तेमाल करने का सवाब नहीं मिलेगा। हमारी मैनेजमेंट से मेरी गुजारिश है, बाज़ोकात हम किसी दुकान पर जाकर कहते हैं भाई मीलाद का इस्तेमाल है, आपकी दुकान बंद करनी पड़ेगी। वो बेचारा डर के कहते हैं बंद नहीं करेंगे तो इन्होंने मुझे ठीक कर देना है, सारी मार्केट में बदनाम कर देना है। ये शरीयत नहीं है। खुदारा मेरी बात समझिए, हमने आपने ये सारा खर्चा ये सारा इंतज़ाम सवाब कमाने के लिए किया है, लेकिन अगर एक बंदे का हक भी तलफ होगा आपको सवाब नहीं उल्टा गुनाह मिलेगा। तो मेहरबानी करें, या तो आपकी कोई मेरी चीज कहता कि कोई नाराज़ होगा, मैं इसलिए ये वजाहत कर रहा हूँ कि अगर किसी के दिल में कोई तकलीफ़ पहुंची है तो कल ये बात ना हो कि ये दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार भी आकर ऐसी जगह बयान कर कर ले। हमें शदीद मदनी मरकज़ की तरफ से ये ताकीद है, किसी ऐसी जगह जाकर आपने बयान नहीं करना है कि जहां पर किसी मुसलमान का हक तलफ हुआ। यहां मार्केट है, इनका कारोबार करना इनके लिए बनी है ना, मार्केट कारोबार के लिए बनी है। अब मार्केट वाले खुशी से नबी पाक का मीलाद मनाएं, मार्केट बंद करें, ये इनकी मर्ज़ी है, मगर किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एक बात हमेशा के लिए याद रखें, बेहतर ये होता है जिस दिन शाम को रात को मार्केट बंद होने लगे उस वक्त कर लिया जाए। हो सकता है जिन जिन भाइयों का दुकान बंद हुई है थोड़ी देर के लिए, सबने राज़ी होकर इजाज़त दी हो। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जिन जिन ने अपना कारोबार आज के इस मीलाद के इज्तिमा के लिए कुछ देर के लिए बंद किया है, इन सब के रिस्क हलाल में बरकत अता फरमा, इन सबको अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी भाई की दिल आज़ारी को हक तलफी हुई है, मैं इंतज़ामिया की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, लेकिन मैं अपने भाइयों को अपनी इंतज़ामिया को ये ज़रूर तलकीन करूँगा कि जब भी ज़िंदगी में कोई नेकी का काम करना हो, कोई मीलाद करना हो, कुरान खानी करनी हो, किसी का हक तलफ ना हो। ये तो मार्केट की बात है। अब आप इलाके वाले हैं, इलाकों में आप मीलाद मनाते हैं, अब सारी रात लेट नाइट तक स्पीकर लगे हुए होते हैं, रोडें बंद होती हैं, ये शरण दुरुस्त नहीं है। किसी का रास्ता रोककर मीलाद मनाना, फिर उसी तरह बड़े बड़े स्पीकर लगाकर लोगों को सोने ना देना। गरीब बेचारे, कई लोगों को सुबह जॉब पे जाना होता है, बीमार लोग घर में होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। मीलाद मनाइए, जितना मनाना है अपने घर में मनाइए, किसी हॉल बुक कर लीजिए, मस्जिद के अंदर कीजिए। किसी को तकलीफ पहुँचा कर नेकी नहीं मिल सकती। हम उस नबी के उम्मती हैं, उनका जिक्र करने जमा हुए हैं कि एक बार दो सहाबा किराम ऊँट पर सवार थे और दोनों ने ऊँट बराबर में खड़े रख के बातें करना शुरू कर दी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है, अगर बातें ही करनी थी तो ऊँट से नीचे उतर जाते, ऊँटों को कुर्सियाँ क्यों बनाया हुआ। यानी अगर सवारी के लिए ऊँट है, बैठ कर बातें करने के लिए नहीं। इतना ख्याल मेरे आका फरमाते, मेरे आका जानवरों तक को तकलीफ देने से मना फरमाते,
हम तो अशरफ المخلوقات नबी पाक की उम्मतियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो इससे अब गौर करते चले जाएं, जब मीलाद और कुरान खानी के लिए इतनी एहतियात करनी है तो जो शादियों के नाम पर गाने बाजे बजाकर आतिशबाजी करके रुखसती के मौके पर पूरी बिल्डिंग जाग जाए ऐसी आतिशबाजी करते हैं, जब समझाओ तो कहते हैं बच्चे की खुशी है। आप अपने बच्चे की खुशी के लिए इतनों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मेरा हालांकि ये बयान का मौजू नहीं था, लेकिन मुझ पर ये तंजीमी जिम्मेदारी बनती है, शरई जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस बात की वजाहत कर दूँ, क्योंकि मैंने आके ही देखा कि कई दुकानें बंद हैं, बाकी दुकानें खुली हैं। इन बेचारों का क्या कसूर था भाई? ठीक है, अगर इन्होंने रजामंदी के साथ किया, अल्लाह इनको इसकी जजा दे, अल्लाह इनको इसकी बरकत दे। लेकिन होता अमूमन ये है कि अगर चार दुकानें एक मना करेगा, उसको पता है मेरा उन्होंने वो हाल करना है मार्केट वालों ने, अब मजबूरन उसने इजाज़त दे दी। तो इस तरह किसी को टेंशन देकर मिलाद ना मनाया करें। अल्लाह हम मैं और आप सारा काम सवाब के लिए कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि 50 देगे बनेगी, 500 आदमी आएंगे तो ही सवाब मिलेगा। भाई 5 आदमी दुकान के अंदर बैठकर कुरान खानी करके दुआ कर लें, क्या पता उन 5ों की मगफिरत हो जाए। तो हमें सवाब चाहिए, हमें अल्लाह की रज़ा चाहिए, हमें अल्लाह ताला अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। अपने गुनाह वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के गुनाह किधर से संभालेंगे? हुकूकुल इबाद में तो फैसला करना पड़ेगा ना क़यामत के दिन। अल्लाह ताला हम सबको हुकूकुल इबाद पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। और यही दावत इस्लामी की तालीमात, ये अंदाज है जो हमारे पीर और मुर्शिद हमें सिखाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दावत इस्लामी के माहौल में आए। हम नॉर्मली ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, किसी मीलाद में किसी जगह ये बातें नहीं सुनेंगे, हमें भी नहीं आती थी, हमें भी सिखाई उन्होंने हैं। हर हफ्ते को उनका मदनी मुज़ाकरा होता है, आप भी सुनें, इंशाल्लाह आप भी सीखते चले जाएंगे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, सल्लु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भाई खड़े हैं ये दरिया आपके लिए बिछाई गई, थोड़ा आगे भी आ जाए ताकि हमारे जो भाई खड़े हैं, मैं मुख्तसर बयान करूँगा। मुझे अंदाज़ा है आज काफ़ी ट्रैफिक था, ये हमें जिना रोड ज़रा बन रहा है, मुझे ताखीर हो गई, मैं इंशाल्लाह मुख्तसर बात करके अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल बरकात हैं। मेरे आका की एक बहुत खूबसूरत हदीस है, पाक आग लग जाए कहीं तो फौरन हम पानी का इंतज़ाम करते हैं, पानी डालो तो आग बुझेगी, ठीक है ना। मगर दुरूद पाक की फजीलत सुनिए, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को उतनी जल्दी नहीं बुझाता है। यूं गुनाह माफ होते हैं, पानी डालो कितनी जल्दी आग बुझती है। आका फरमाते दुरूद पढ़ो वो गुनाह को इस कदर जल्दी मिटा देता है जितनी जल्दी आग भी पानी को नहीं बुझाती। और नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजना गर्दने यानी गुलामों को आजाद करने से अफजल है। कितनी फजीलतें हैं दुरूद पाक, फिर भी हम दुरूद पाक ना पढ़ें। अब आप कारोबार पर आते हैं रोजाना सुबह, अगर आप रास्ते में आते हुए दुरूद पाक पढ़ें, दुकान पर बैठ कर जब ग्राहक नहीं है फारिग बैठे, हम अपने मोबाइल उठाना है, सोशल मीडिया पर जाना है, गुनाह करने हैं, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आपकी दुकान पर भी रहमत होगी, कारोबार पर भी रहमत होगी, आपकी भी हिफाजत होगी, गुनाह भी माफ़ होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं भी नियत करूँ, आप भी नियत करें कि रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मुख्तसरन मैंने आपको एक कुरानी वाकया सुनाना है। कुरान में बहुत खूबसूरत खूबसूरत वाकयात और बड़े अमेजिंग स्टोरीज़ हैं। बदकिस्मती से आज लोग नावल पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, तरह तरह के मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार बुरी चाट जाते हैं, मगर कुरान नहीं पढ़ते। एक तो कुरान पढ़ना नहीं आता, और जिनको पढ़ना आता भी है वो समझते नहीं हैं उसका तर्जमा, उसकी तफसीर, क्या कहा है रब ने कुरान में ये हमें नहीं पता। इस वाक्य को बयान करने का एक मकसद ये भी है कि अंदाज़ा हो कुरान में कितने खूबसूरत कैसे तारीखी और फिर उन वाकयात से हमारे लिए कैसे ज़बरदस्त सबक मिले। आज बात करेंगे एक नौजवान की, और मैं ये देखना भी चाहूँगा कि आप में से कौन कौन उस नौजवान को पहचान है। उस नौजवान की एज 18 या 20 साल है, और उसके गांव के सारे लोग बुतों की पूजा करते हैं कमोबेश सारे, और उसको भी कहते तुम भी पूजा करो, वो मना करता मैं नहीं करता, मुझे बुतों की पूजा नहीं करनी, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानने वाला। एक बार उस गांव के लोगों का एक मेला सजा, और उसमें जनाब बड़े नाच गाने शराब रक्स व सुरूर की महफिलें हर साल करते थे। उस नौजवान को कहा तुम भी चलो। वो नौजवान जो है वो कहता है मैं नहीं आता, मुझे ऐसी महफिलों में मज़ा नहीं आता। सारा गांव चला गया, सारा इलाका चला गया, वो अकेला उस मोहल्ले में रह गया। चलते चलते वो बुत खाने के अंदर गया और देखा कि अजीब अजीब बुत हैं, छोटे छोटे बुत भी हैं, बहुत बड़ा बुत भी है।
नौजवान को ख्याल आया कि ये कैसे लोग हैं अपने ही हाथ से बनाते हैं, खुद ही इसको पूछते हैं। बड़ा गुस्सा आया उसके, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पूछते हैं। उसने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का पैर तोड़ दिया। तोड़ते तोड़ते आखिर में जो बड़ा बुत था उसके कांधे पर रख दिया कुल्हाड़ा और खुद बाहर आ गए। अब गाँव वाले वापस आए, एवरीबडी वेरी शॉक्ड, गुस्से से भरे हुए, हमारे बुतों को किसने तोड़ा, उसको नहीं छोड़ेंगे, मालूम तो किसने तोड़ा है। तो लोगों ने कहा वो एक ही बंदा है जो हमारे बुतों के खिलाफ बात करता है, हो ना हो उसी ने ये काम किया, उसको पकड़ने लाओ। उनको लाया गया, कहा तुमने तोड़ा ये बुत, ये बुतों को किसने हाथ पैर तोड़ दिए, क्या मुझसे क्यों पूछते हो, ये इतना बड़ा बुत है, देखो इसके कांधे पर कुल्हाड़ा पड़ा, इसी से पूछ लो, ये भी यही था ना, अगर किसी ने तोड़ा ये बता देगा। अब वो कहते हैं ये तो बात नहीं करते, ये जवाब नहीं देते हैं। अब उस नौजवान ने ये गोया एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, एक प्रैक्टिकल मुजाहिरा किया उनके सामने, और अब उस नौजवान की और उन लोगों की जो बात हुई ना है, उन उस बात को कुरान ने नकल किया। सुभान अल्लाह, जरा सुनिए कुरान की आयत, वो जो है वो क्या नाम है कुरान, वो क्या कहता है नौजवान जब ये देखा कि वो कहते ही नहीं जवाब दे सकते, ये तो किसी को बता नहीं सकते कि किसने तोड़ा। तो नौजवान कहता है قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ। तो नौजवान कहता है क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसो कुछ पूछते हो जो ना तुम्हें नफा दे ना नुकसान, तुम फिरतों पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो, अफला ताकिलून, तुम में अकल नहीं है। कितनी शानदार तबलीग है, कितनी शानदार, यानी खुद ही एक पूरा प्रैक्टिकल करके बता दिया कि जो खुदा अपना हाथ पैर तोड़ने से नहीं बचा सकते, बता भी नहीं सकते किसने मारा है, उसको पूछते हो, होना क्या चाहिए था। इतनी क्लियर जबरदस्त दलील के बाद उनको तौबा करनी चाहिए थी। लेकिन याद रखिए, जिसके दिल पर मोहर हो, जिसकी आंखों पर कुफर के पर्दे आ जाए, उसको सीधी सीधी बात भी समझ नहीं आती है। उन लोगों ने क्या कहा, हरिकुहु वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। उन लोगों ने कहा कि इसको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है, मानने की बजाय लड़ना शुरू हो गए। आज भी ऐसे लोग हैं, समझाने जाओ, दलील के साथ बात करो, कुरान और हदीस बताओ, नहीं मानना, लड़ाई करनी है, तो ये शुरू से प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं यहां थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। अब आपको पता है ये कौन सा नौजवान है, कितने लोगों को पता, देखिए अब इतने सारे लोग मौजूद हैं। मैं अगर आज किसी क्रिकेटर के बारे में बात करता, किसी फुटबॉलर के बारे में बात करता, किसी गुलकार अदाकार के बारे में बात करता, किसी सियासतदान के बारे में बात करता, शायद बहुत शुक्र पता होगा मैं अल्लाह के नबी का वाक्य सुना रहा हूँ, ये कुरान का वाक्य है, ये वो किताब है जो मुझ पर और आप पर नाजिल हुई है। हमारी मालूमात का हाल ये है, ये वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं, ये किसी और का वाक्य नहीं, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी सलाम का वाक्य है कि आपकी कौम ने अब आपको जलाने का प्लान किया, नमरूद का वक्त था, अब ऐसी आग लगाई गई कि ऐसी आग तारीख में नहीं लगी, इतनी बड़ी आग थी कि कोई परिंदा भी ऊपर से गुजरता था तो वो जलकर गिर जाता था। अब उस आग को जला दिया गया, प्लान ये था कि आपको उस आग में डाला जाएगा, और अब उस आग में डालने के लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं थी, करीब जो जाता वो भी जल जाता। तो आपने वो देखा होगा, अब आज के जमाने में तोप है, पहले मंजनीक कहते थे उसको, जिसके जरिए पत्थर फेंके जाते थे दूर दूर, तो उसके जरिए आपको फेंकने का प्लान किया। अब जब आपको आग में डाला जाने लगा ना, तो फरिश्ते अल्लाह की सारी मखलूक ने चीख चीख कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरा खलील, दुनिया में तेरा एक ही नाम लेने वाला है, अगर ये भी जल गया, ये भी दुनिया से चला गया, बचेगा कौन, ए मालिक इसको बचा ले। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है ये मेरा खलील है, मैं इसका रब हूं, अगर ये मुझसे मदद मांगे या तुमसे मदद मांगे तो मुझे बताओ। अब फरिश्ते आए हजरत इब्राहिम के पास, हुजूर पानी का फरिश्ता हूं, हुक्म दीजिए मैं बारिश बरसाकर आग बुझा दूंगा। हवा का फरिश्ता है, हुजूर इरशाद फरमाइए ऐसी हवा चलाऊंगा कि आग बुझ जानी है। आपने फरमाया नहीं, मेरा रब देख रहा है, वो जब चाहेगा मेरी मदद फरमा, मेरा रब मेरा कारसाज है, अगर वो मेरे आग में जलने पर राजी तो मैं भी राजी। अब आग में फेंक दिया गया, हजरत जिब्राइल आए, कहा ठीक है आप हमसे मदद नहीं मांगते, अल्लाह से तो मदद मांग ले, अल्लाह को तो कहिए, अल्लाह की बारगाह में तो इल्तिजा कीजिए कि वो इस आग को बुझा दे। अल्लाह अकबर, तवक्कुल, ट्रस्ट, भरोसा। देखो
अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के नबी हैं। कहते रब देख रहा है, मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो जो मेरे लिए बेहतर समझेगा फैसला फरमाएगा। मैं उसका खुलासा अर्ज कर रहा हूं, जो हजरत इब्राहिम हजरत जिब्राइल का मुकालमा होता, अल्लाह अकबर, अब क्या हुआ, रब ने आग से क्या फरमाया, अल्लाह फरमा, ये भी कुरान में मौजूद है, कुरान पढ़े, इतना खूबसूरत वाकया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल ना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, हमने फरमाया ए आग ठंडी ठंडी और सलामती हो जाए इब्राहिम पर। अब क्या हुआ, आग ठंडी भी हो गई, सलामती वाली भी हो गई। आग जल रही है, हजरत इब्राहिम अंदर है, कितनी देर रहे पता है, आज आग में हम 10 सेकंड हाथ नहीं रख सकते हैं। हजरत इब्राहिम एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन उस आग में रहे, 40 days। एक रिवायत के मुफस्सरीन लिखते 7 दिन। जब आप बाहर आते हैं आपका बाल भी बीका नहीं हुआ, आग आग थी लोगों के लिए, आपके लिए गुलजार थी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बहस की उलमा ने, तफसीर पढ़े तो समझ आएगी ना, कि ये कह दिया जाता ठंडी हो जा, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, इससे क्या मुराद थी, ये क्यों कहा गया। फरमाया अगर सिर्फ ठंडी कहते तो ठंड में भी तो तकलीफ होती है ना, अभी सर्दियां हैं ना, मोटरसाइकिल पर जाएं बगैर जैकेट बगैर स्वेटर के ठंड है लेकिन तकलीफ है। याद रहे, एक और बात बताता चलूं, सिर्फ कयाम जहन्नम में आग का अजाब नहीं है, जहन्नम में ठंड का अजाब भी है। कई लोग सर्दी से मरते हैं, शुमाली इलाका जा के ऐसे इलाके जब माइनस होता है, बेचारों के पास नहीं होता ठंडा कुछ पहनने का, गर्म कपड़े वो मर जाते हैं। ठंड बड़ी खतरनाक सजा है, इंसान को ठंडक में बिठा दो कुछ भी ना दो उसकी हालत खराब हो जाएगी। जब सर्दी देखो तब भी अल्लाह से पनाह मांगो, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की ठंड वाले अजाब से बचाना। जब गर्मी देखो अपने रब से पनाह मांगो कि मौला मुझे जहन्नम की आग से बचाना। कितने कमजोर हैं, +50 से ऊपर टेम्परेचर जाए तो हम मरने के करीब हो जाएं, -10-15 हो जाए और गर्म चीजें ना हो तो हम मरने के करीब हो जाएं। जहन्नम का अजाब इससे 70 गुना ज्यादा सख्त है, कैसे जवाब दे। मेरे बीच भाइयों, अब अगर सिर्फ आग को ठंडा होने का कहा जाता तो ठंडी होकर हो सकता है तकलीफ पहुंचाती, ठंडी भी हो जाए और सलामती वाले भी हो जाए। मेरा खलील है, मेरा नबी है, 40 दिन रहे आग में और वापस आते हैं तो कुछ नहीं होता। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, सिर्फ ये वाकया सुनाकर कुछ दर्स देना था, कुछ समझाना है। क्या था हजरत इब्राहिम के पास, उम्र कितनी, आपकी एज है 18-20 साल, 18-20 साल के नौजवान के अंदर कितना जरा इल्म होता है, कितना तदब्बुर होता है, कितना उसके अंदर ठहराव होता है। मगर ये अल्लाह के खलील थे और आपका तवक्कुल देखें कि आग में जा रहे हैं फिर भी अल्लाह पर भरोसा है। आज मैंने और आपने ये सीखना है और याद रखो, आज भी अगर ऐसा यकीन पैदा हो जाए ना, शायर लिखते हैं ना, आज भी हो जाए अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आज भी आग गुलिस्तां बन सकती है अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान दिल में आ जाए। एक और बात सीखने को मिली, जिंदगी का हर फैसला अकल से ना किया करो, बाज़ औक़ात अकल जो है ना वो तनकीद ही करती रहती है। कुछ फैसले इश्क के होते हैं, कुछ फैसले दिल के होते हैं, हर चीज कैलकुलेशन से नहीं होती है। जो बंदा बड़ा कैलकुलेटेड होता है ना वो अल्लाह की राह में खर्च भी नहीं कर सकता, यार खर्च करूंगा तो पैसे कम हो जाएंगे, 1,00,000 रुपए हैं 10,000 किसी को दे दूंगा अल्लाह के दाम पर तो 90 हो जाएंगे ना, मेरे तो इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे, ये कैलकुलेशन है, ये अकल है। इश्क कहता है जिसने दिया है उसी की राह में खर्च कर रहा है ना, वो और दे देगा, तू 10 दे दे वो 100 दे देगा, ये 1,00,000 के 2,00,000 होने हैं, चले भी गए तो मेरे ही अकाउंट में जाने हैं, ये इश्क का फैसला है। जिंदगी अकल से ना गुजारा करो, कुछ फैसले दिल से और इश्क से भी किया करो। अकल तो कहती थी इतनी बड़ी आग है, ऐ इब्राहिम जाओगे तो जल के राख हो जाओगे, मगर इब्राहिम का इश्क ने क्या कहा, सुभान अल्लाह। शायर मशरिक कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, अकल इश्क को वो फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर यानी बेखौफ कूद रहे ना, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क,
अकल थी महके तमाशाए लदे बाम भी, अकल तो सोचती रह गई पर हजरत इब्राहिम ने आग में गोया छलांग लगा दी। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये वाकया बहुत कुछ हमें सिखाता है। और जो आज मैं इस मार्केट वालों को अर्ज करने इस पुरानी वाकये से आया हूँ, अपने रब पर भरोसा करना सीख जाओ, अपने रब पर यकीन करना सीख जाओ। यकीन करो जो रब पर भरोसा करता है, रब उसे बहुत अता करता है। आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसीलिए हैं। आज क्यों हराम रोजी की तरफ जाते हैं? आज हम क्यों झूठ बोलकर माल बेचते हैं? आज क्यों जनाब डिफेक्टिव माल को भी एक कैटेगरी के अंदर बेच दिया जाता है? बंदा कहता है यार सीधा करूंगा तो कमाऊंगा कैसे, सच बोलूंगा तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा, मार्केट के दूसरे लोग झूठ बोल के अपना माल बेच देंगे। मैं जनाब अपनी बी कैटेगरी को जो बी बताऊंगा, डिफेक्टिव को डिफेक्टिव बताऊंगा तो बिकेगा कैसे? यही तो वो भरोसा था जो तुम्हें अपने रब पर होना चाहिए था। मेरा रब सच बोल कर भी रोजी दे सकता है, मेरा रब चाहे तो मेरी दुकान पर मैं सच्चा काम करूं फिर भी ग्राहक भेज सकता है। मगर वही अल्लाह पर भरोसा जो मेरा शेक हो गया, अल्लाह पर भरोसा टूट गया है, मुझे लगता है नहीं सीधा काम नहीं हो सकता, सच्चा काम नहीं हो सकता। हमें यह अकल क्यों नहीं आती कि जब तुम रब की नाफरमानी कर रहे हो वो तुम्हें रोजी दे रहा है, तुम फरमाबरदारी करोगे वो कैसे रोजी रोक लेगा? वो और अता करेगा, वो गैर के खजानों से देगा। और याद रखो एक और बात आज समझ लीजिए मीठे इस्लामी भाइयों, हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। हम समझते हैं सुकून में वो है, बरकत उसमें है जिसके पास ज्यादा है। हम ये समझते हैं कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना वही सुकून और बरकत में है। यार देखो कितनी गाड़ियां हो गई, बंगला बना लिया, फैक्ट्री लगा ली, एक दुकान थी चार दुकानें हो गई। अरे मेरे बीच इस्लामी भाइयों यही हमारी मिस्टेक है। सिर्फ एक बात याद रखो, बरकत जो है ना वो क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं और उसको तरह तरह की बीमारियां लगी हुई हैं, रात नींद नहीं आती है, टेंशन है, लोगों में से कोई उसकी जान लेने की फिक्र में है, हैं? उसका माल कहीं फंसा हुआ है और उसके पैसे कहीं फंस गए हैं, बच्चे नाफरमान हैं। मुझे बताओ ये इतना सारा हराम का अगर पैसा है तो किस काम का है? और अगर किसी के पास थोड़ा है और हलाल का है, बच्चे फर्मा बरदार हैं, बीमारी कोई नहीं है, सुकून की नींद सोता हूँ, जितना खाना है सुकून से खा लेता हूँ, खाने पीने में डॉक्टरों ने मना भी कुछ नहीं किया हुआ, अरबोंपति हराम कमाया हुआ अगर है तो कई ऐसी बीमारियां होती हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैं आपसे पूछता हूँ सुकून में कौन है, बरकत में कौन है? पैसा सुकून नहीं लाता, हलाल का हो बरकत उसी के अंदर है, अल्लाह की रिजा वाला हो वही चैन लाता है। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, लोगों की क्वांटिटी को देखकर परेशान ना हुआ करें, अल्लाह से क्वालिटी मांगे, अल्लाह से बरकत मांगे। ऐ अल्लाह जितना देना बरकत वाला देना, मालिक जितना देना सुकून वाला देना, फकत हलाल देना, हमें हराम ना देना। हजरत इब्राहिम का ये वाकया मुझे और आपको तवक्कुल का दर्स दे रहा है, अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाओ और रब जरूर अता फरमाएगा, हराम की तरफ मत जाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मज़मून है, आका फरमाते अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को रिस्क देता है। सारे परिंदे सुबह अपने अपने घोंसले से निकलते हैं, हैं? करोड़ों अरबों परिंदे सुबह निकलते हैं, शाम को सब वापस आते हैं, सब पेट भरे हुए होते हैं, सबको दाना मिल चुका होता है। मगर किसी परिंदे के घोंसले के अंदर आप कोई छोटी सी कपट नहीं देखेंगे कि वो दूध कल का भी चारा लेकर आया हो, कि सुबह तो खा लिया अब कल क्या मिलेगा। जानवरों को ये फिक्र नहीं है, उसको सबको पता है जिसने आज खिलाया है वो कल भी खिलाएगा। बकरे ईद में बकरे पालते हो, हैं? गाय जानवर होते हैं आपके घर के आसपास, कभी देखा आपने दोपहर को चारा खिलाया हो और उसके बाद उस बकरे या उस गाय ने टोकरी को साइड में कर लिया हो कि जनाब रात को क्या खाऊंगा? उसको पता है दोपहर को मिल गया रात को फिर मिलेगा, अल्लाह ने दिया है वही खिलाएगा। ये फकत इंसान है जिसको 10 साल बाद की भी टेंशन है, 15 साल के बाद की भी टेंशन है, अगले साल की भी टेंशन है। अभी बच्ची पैदा नहीं हुई, अभी से उसकी हर बराबर टेंशन शुरू हो गई, मेरी 3 बच्चियां हैं पता नहीं क्या होगा। अरे अल्लाह के बंदे बहुत सारे काम रब के करने वाले हैं, बल्कि सारे ही काम रब के करने वाले हैं, हर चीज को क्यों इतना टेंशन दे देते हो? हम अजीब लोग हैं, जिस चीज का रब ने वादा किया है, याद रखो रब ने कुरान में वादा किया है कि सबका रिस्क उसी ने देना है, वादा है उसका, टेंशन मुझे है। अरे जिसका वादा
वादा नहीं उसकी टेंशन करो, मगफिरत का वादा नहीं है, जन्नत में भेजने का वादा नहीं है, बख्शिश का वादा नहीं है। ऐसे तो कई लोग मिले जिनको ये टेंशन खाई जा रही है, कारोबार का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, अरे जनाब अगले साल में क्या कमाऊंगा। किसी को ये बोलते नहीं सुना कि बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा, कब्र जन्नत का बाग होगी कि नहीं होगी, ईमान सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे करोड़ों लोग जन्नत में जाएंगे, करोड़ों जहन्नम में जाएंगे, कहीं मैं उन जहन्नम में जाने वालों में तो नहीं हूंगा। कभी ये टेंशन ने हमें सताया? ये टेंशन अच्छी है, ये खौफ अच्छा है, ये गुनाहों का कफारा बन सकता है। मगर तुम उस टेंशन में लग गए जिसका रब ने वादा किया है वो रिस्क अता फरमाएगा। अरे वो चूटी को कुन अता फरमाता है, आती को मन अता करता है, हर हर बंदे का, हर हर जानवर का उसने अपने जिम्मे रिस्क लिया हुआ है। याद रखो मौत और रिस्क आपके घर तक, आप तक पहुंचकर आपको मिलेगी, आपका पीछा करेगी। जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ होगा, सारा दिन बैठे रहे, एक रुपए का कारोबार नहीं हुआ, दरवाजा बंद करने लगे, बल्कि एक ताला भी लगा दिया। अब ग्राहक दौड़ता हुआ आया, कहा भाई दुकान खोलो सामान लेना है, पूरे दिन का काम करवा के चला गया। ये क्या था? ये आपका रिस्क था जो लिखा था, सारा दिन तुमने कोशिश की नहीं मिला, रब ने चाहा तो दरवाजा खुला कर रिस्क अता फरमा दिया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बात आज सीख कर जाना, एक बात आज गौर से सुन लेना, जो मेरे नसीब में है, याद रखो जो मेरे नसीब में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। याद सीख लो, अगर ये पक्का यकीन मिल गया ना, फिर नहीं जाओगे हराम की तरफ। जब नसीब ने लिखा ही है तो क्यों झूठ बोलकर कमाना, क्यों अल्लाह को नाराज करके कमाना है? हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में जाते हैं, मगर मिलता वही है जो नसीब में। अगर सबर करते ना तो ये हलाल से मिलना था, ये सच बोलकर भी मिलना था, आपने ज्यादा नहीं कमा लिया हराम से, ये तुम्हारे नसीब में था, मगर तुम्हें इख्तियार दिया गया था कि हलाल से कमाओ या हराम से कमाओ। एक बार मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपकी नमाज पढ़ने गए, अपना लिबास उतारा, एक शख्स को पकड़ाया, कैसे पकड़ो मैं नमाज पढ़ गया। आप नमाज पढ़ गया, वो बंदा अपना लिबास लेकर गायब हो गया, चोरी कर गया। आपको बड़ा अफसोस हुआ, थोड़ा आगे गए तो वही लिबास एक दुकान पर लगा हुआ। आप हैरान हुए, कहा ये कहाँ से मिला? अभी भी एक बंदा 2 दिनार बेच के गया है। आप फरमाते हैं अल्लाह हुआ, मैं नमाज पढ़ने गया था, मैंने सोचा था वापस निकल कर इनाम में 2 दिनार दूंगा, मेरा लिबास संभाला है ना, उसको मैंने इनाम देना था, इतने पैसे हलाल लिखे थे रब ने उसके लिए, थोड़ी जल्दी करके उसने हराम कमा लिए। यही हम गलती करते जा रहे हैं, हम अपने नामा अमाल में हराम लिखवा रहे हैं, हराम रोजी जिस बच्चे को हम खिला रहे हैं। लोग कहते हैं बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, ना करो ऐसा, ये हराम तुम्हारे बच्चों की परवरिश में उन्हें नाफरमान बनाएगा, बीमारियां लाएगा, अल्लाह को नाराज करने वाला ये काम है। हराम से सदका दो वो भी कबूल नहीं। अच्छा शैतान ऐसा मलून है जो गलत काम करते हैं उनको धमकी देता है, कहता है यार कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत डंडी मारता है तो सदका भी तो देते हैं ना अपन मस्जिद को, है इलाके में हम जरा मस्जिद में भी चंदा दे देते हैं, हर साल में उमरे पर भी जाता हूँ, बैलेंस हो जाएगा। शैतान क्या समझाता है कि बैलेंस शीट नहीं है कि डेबिट क्रेडिट के बाद बैलेंस हो जाएगा, ये उसका जबरदस्त वार है। वो ये कहता है यार गलत तो करते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, सूद भी कर लेते हैं, कभी मिलावट कर देते हैं, है? लेकिन यार बाद में मस्जिद में चंदा भी दे देते हैं और गरीब की अपने रिश्तेदार की मदद भी कर देते हैं, ये बैलेंस नहीं होगा। याद रखना, एक बात याद रखें, अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है। कभी ये नहीं हो सकता कि आपके जिस्म पर गंदगी लगे आप क्या पेशाब डाल के इसको साफ कर दें, वो और खराब हो जाएगा। हराम से सदका कबूल नहीं होता, हराम देकर आप अल्लाह की मजीद नाफरमानी कर रहे हैं। इसको इस तरह समझे कि अगर कोई शख्स किसी बादशाह के पास जाए और बड़ी रैपिंग पैकिंग के साथ खूबसूरत गिफ्ट देकर आए, बादशाह भी रख ले और आप चले जाएं, जब वो पैकिंग खोले तो उसके अंदर एक बॉटल हो जिसमें शराब भरी हुई, जिसमें पेशाब भरा हुआ हो, बादशाह खुश होगा या नाराज होगा? गंदगी देकर गया उसको, पैकिंग अच्छी थी, अंदर क्या गंदगी। आप हराम कमा कर रब की बारगाह में सदका भेज रहे, कबूल होगा नहीं होगा? वो आप थोड़ा कमाए, बेशक थोड़ा सदका दें, अल्लाह उसे बहुत कबूल फरमाए। और अब एक और आखिरी आयत कुरानी सुनेंगे, अल्लाह करे मेरी बात दिल में उतर जाए, एक भी मेरा भाई हराम छोड़ दे, एक भी मेरा भाई झूठ छोड़ दे, एक भी मेरा भाई आज ये नियत कर ले कि बस बहुत हो गया, मैं अल्लाह की नाफरमानी करके नहीं कमाऊंगा, किधर से कयामत के दिन जवाब दूंगा, एक एक हराम रुपए का जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में अजाब बन जाएगा, ना करो ऐसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरे बहुत सारे भाई यहाँ किसी टेंशन में भी होंगे, हो सकता है कोई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूबा हुआ हो, बाज़ औक़ात जो है
अल्लाह पर भरोसा नहीं होता तो नाशुक्री की बातें भी शुरू होती हैं। बातें ये होती हैं कि यार मैं ऐसा फंस गया हूं, इतना कर्जा हो गया है कि मैं सीधा कारोबार करके तो कर्जा नहीं उतार सकूंगा। अब मैं नौकरी करता रहा तो अपना घर कैसे दूंगा, सारी जिंदगी किराए के घर में ही रहूंगा। ये बास औकात हम कैलकुलेशन के साथ तय करते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, इतना बुरा फंस गया हूं, इतनी बुरी मुसीबत आ गई है, ऐसी बीमारी लग गई है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। ठीक है, मेरी और आपकी अकल कहती है कि ये मसला नहीं हो सकता, ठीक है ना, मगर ये मेरी और आपकी अकल का फैसला है ना। मेरा रब तो कादिर है ना, इन्नल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर कुरान की आयत और फिर बयान खत्म करते हैं। एक एग्जांपल, आपके घर में चूटियां जा रही हैं या दुकान पर भी कभी देखिएगा, पहले ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। चूटियां जाती हैं एक साथ लाइन में, आपको देखा होगा, आप उन चूटियों के आगे एक सेब या इतनी कोई भी छोटी चीज उसके आगे रख दें, ना जहां उसका रास्ता होगा उसके आगे रख दें। चूटी के लिए वो सेब क्या होगा, पहाड़, ओहो इतनी बड़ी चीज आ गई, ना उसको हटा सकेगी ना उसके ऊपर से जा सकेगी, या तो रास्ता टर्न कर लेगी या वापस चली जाएगी। ऐसा ही चूटी के लिए सेब क्या है, पहाड़, पहाड़ की मानी इतनी सी चूटी, इतना बड़ा सेब है उसके लिए। अच्छा, अब वही सेब आपने उठाया और जेब में रख लिया, चूटी के लिए रास्ता क्लियर, चूटी के लिए क्या था, पहाड़, आपके लिए क्या था, सेब, छोटा सा एक इस चीज हो गई ना, फल हो गई। अब समझो मेरी बात, जो मुसीबत आपके सामने है ना इस वक्त, वो आपके लिए और मेरे लिए पहाड़ है, मेरे रब के लिए कुछ नहीं। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, खालिक है वो, मालिक है वो, कायनात बनाने वाला वो, कुन कहे तो दुनिया बन जाती है, तो मेरी मुश्किल हटाना क्या चीज है, मेरी बीमारी दूर करना उसके लिए क्या चीज है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना उसके लिए क्या चीज है। और ऐसा हुआ भी है जिंदगी में। अब मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे कभी बैठना इनके पास, जिनकी उम्र 40 से ज्यादा, उनसे पूछो, जिंदगी में जरूर ऐसा आपके साथ मामला कभी ना कभी हुआ होगा कि आपको लगा होगा यार इस मुसीबत से अब नहीं निकल सकता, इस प्रॉब्लम से अब नहीं निकल सकूंगा, अब ये मुश्किल दूर नहीं होगी, मगर अचानक पता नहीं क्या हुआ ऐसी कोई मदद आई, उस मुश्किल से मैं निकल गया, उस कर्जे से निकल गया, कारोबार खत्म हो गया था, अल्लाह ने फिर खड़ा कर दिया। जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा तजुर्बा हर बंदे के साथ होता है कि वो हैरान हो जाता है कि मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी ये मैं कैसे निकला बाहर। अल्लाह अकबर, ये बात रब ने कुरान में कितने प्यारे अंदाज में फरमाई है। मेरा यह रब फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह फरमाता जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकाल दे, रास्ता निकालेगा, और कैसा निकालेगा, अल्लाह फरमाता है वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर से उसका गुमान भी नहीं होगा, उधर से रिस्क आएगा सोच भी नहीं होगी, हमने कभी गौर भी नहीं किया होगा। फिर आगे रब फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। हमारा प्रॉब्लम यही तो है, हम दुनिया पर सब पर भरोसा करते हैं, रब पर भरोसा नहीं करते। मार्केट के सदर से बनाकर रखो, कभी मुश्किल आएगी तो काम आएगा, फला पुलिस ऑफिसर से बनाकर रखो, मसला आएगा तो काम आएगा, इलाके के काउंसलर, सूबाई वजीर, अरे किसी बड़े आदमी से दोस्ती होनी चाहिए, मुसीबत में काम आएगा। तुम उससे क्यों नहीं बनाकर रखते जो सारी कायनात का खालिक है, अगर वो तुम्हारे साथ होगा तो सारे काम सीधे हो जाने हैं। सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा नहीं। मुसीबत होती है सबके पास जाते हैं, अल्लाह के पास कितनी बार जाते हैं, कितने बार सजदा करते हैं। नबी पाक की सीरत तो पढ़िए ना, आका ने हर मौके पर रब को पुकारा, अल्लाह की बारगाह में बार बार दुआएं। आप पढ़ते ही तो हो, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होते वक्त की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, आईना देखने की दुआ, लिबास पहनने की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, बैतुल खला से बाहर आने की दुआ, बारिश हो जाए तो दुआ, आंधी आ जाए तो दुआ, कहर पड़ जाए तो दुआ, बिजली चमके तो दुआ। आका ने हर मौके पर दुआ क्या है, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह को पुकारा है, कौनैन के वाली है, रब के हबीब है, कदम कदम पर दुआएं की है। हमें बताओ कितना टाइम हो गया दुआ मांगे हुए, हम घर से निकले आज दुआ की, दुकान पर आए आज दुआ की, हमने नमाज पढ़ी हो तो दुआ करते ना, सोचो कितनी दूरी हो गई है। दुनिया में किसी दोस्त से 3-4 बार मदद मांग लो ना, बुरा लगता है,
हमें भी कोई दो बार फोन करे, पहली बार शायद मदद कर देंगे, दूसरी बार भी शायद कर दे, तीसरी बार कहें यार इसकी तो आदत हो गई है मांगने की, चौथी बार शायद फोन भी ना उठाए, पांचवी बार नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा। यही है, ये है दुनिया की हकीकत। करीबी दोस्त की बात कर रहा हूं, अजनबी तो देता ही कुछ नहीं है, करीबी दोस्त भी वंस इन अ लाइफ दो बार मदद कर देगा, तीसरी बार जवाब नहीं देगा। ये दुनिया की हकीकत है। और मेरे मालिक ने कुरान में फरमाया है, उद्रूनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। जो जितना मांगता है, देखो मेरे खालिक के खजाने, दुनिया में ज्यादा मांगो बुरा लगता है, अल्लाह उसे पसंद फरमाता है जो उससे ज्यादा मांगता है। फिर भी हम उससे नहीं मांगते जो कह रहा है मांगो मैं दूंगा, और जो दे भी सकता है। हम उसके पास जाते हैं जो दो बार के बाद तीसरी बार हमारी बुराई करता है कि बार बार आता है, दे भी नहीं सकता। यही हमारा प्रॉब्लम है। काश दोस्ती अल्लाह से हो जाए, काश कनेक्शन रब से हो जाए। जब तकलीफ में आऊं उसे पुकारूं, मुझे बताओ ना, ये बात तो आपने सुनी है ना कि मालिक अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। सुना है कभी? देखा आपने कि आप तकलीफ में हो, टेंशन में हो, आंखों में आंसू हो, और अपनी माँ से मैंने और आपने कुछ कहा हो? अरे वो तो खुद बेकरार हो गई, उसने तो हमें तकलीफ में देखा तो खुद बेचैन हो गई, उससे जो हो सका उसने किया। अब मुझे बताओ कि जब माँ हमें तकलीफ में देखकर हमारी बात पूरी कर दे, तो जो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है उसे तकलीफ में पुकारूंगा, वो क्यों ना मदद फरमाएगा, वो क्यों ना खजाने देगा। बस मसला ये है, उससे मांगते नहीं है, उससे कनेक्टिविटी नहीं है। आज ये बात सीख कर जाइए, अब फकत हलाल कमाना है, अल्लाह की नाराजी नहीं करनी है, नाराजी वाले काम नहीं करने। रोजी जरूर कमाइए मगर हलाल तरीके से, अल्लाह को राजी करके कमाइए, और जब परेशान हो, जब मुसीबत में हो, उसे पुकारिए, वो जरूर मदद फरमाएगा। और जब मुश्किल आ भी जाए, जब मुश्किल आ भी जाए, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल से अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला मुझे और आपको अपना सच्चा पक्का भरोसा अता फरमाए, तवक्कुल नसीब फरमाए, और जब मुसीबत आए अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाला बनाए। और यही बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। अल्लाह ताला हम सबको, इस मार्केट वालों को दुनिया और आखिरत की बरकतें दे, यहाँ काम करने वालों के रिज़्क़ हलाल में बरकतें और वसअतें अता फरमाए। आमीन। بجاه النبي الامين صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان رب كريم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کی خطاؤں سے درگزر فرما سب کے کاروبار رزق کے حلال میں برکت عطا فرما بیماروں کو شفا دے دے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے اولاد والوں کو اولاد کا سکھ نصیب کر دے اے کریم ہمیں فقط حلال عطا فرما حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما ایمان پر اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرما اللهم ربي يسر ولا تعسر وطمن لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين اے اللہ جن لوگوں نے یہ اجتماع سجایا دامے درمے قدمے سخنے حصہ ملایا سب کا سینہ مدینہ بنا دے بركات الله وبركاته صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامين واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ نبہ لا اله شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و السلام